दोस्तों, बेबी नाज ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा था। महज 8 साल की उम्र में फिल्म रेशम में एक्ट्रेस सुरैया के बचपन का रोल भी किया था। माता पिता ने नाज का नाम सलमा बेग रखा था। सलमा ने महज 8 साल की उम्र में फिल्म रेशम में एक्ट्रेस सुरैया के बचपन का रोल निभाया था। सलमा के पिता लेखक थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। पिता के दोस्त प्रोड्यूसर लेखक राज ने पहली बार सलमा को फिल्म में काम करने का मौका दिया था। हालांकि पहले पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह वह सलमा के काम करने के लिए तैयार हो गए थे। चलिए आज हम आपको सलमा बेग से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताते हैं, जब सेट पर ही सलमा बेग की मांग भर दी गई थी। दरअसल यह वाक्य साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म देखा प्यार तुम्हारा की शूटिंग के दौरान का है। डायरेक्टर के परवेज के निर्देशक बनी इस फिल्म के हीरो ने पृथ्वीराज कपूर के भांजे सूबेराज को फिल्मों में अधिकतर पुलिस ऑफिसर से लेकर बिजनेसमैन की भूमिका में देखा जाता था। वही फिल्म की हीरोइन थी सलमा बेग। उस वक्त तक सलमा को बेबी नाच के नाम से भी जाना जाता था। फिल्म देखा तुम्हारा प्यार की शूटिंग प्रतापगढ़ के एक किले में चल रही थी। सूबेराज और बेबी नाच काफी घुलने मिलने लगे थे। धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल गई। सूबेराज को यह मालूम था कि मुंबई जाते ही वे नाच से दूर हो जाएंगे। इन दोनों की शादी के बीच दो अड़चने थी, पहली अलग अलग धर्म और दूसरी नाच की इनकम से ही परिवार चलता था। सूबेराज नाच से दूर नहीं होना चाहते थे। एक दिन सूबेराज ने शूटिंग के दौरान ही बेबी नाच की मांग में सिंदूर भरकर उनसे शादी कर ली थी। उस वक्त यह खबर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा चुकी थी और उनके फैमिली वालों ने भी इसका काफी विरोध किया। इसके बावजूद भी बेबी नाज ने अपने पति का सपोर्ट किया और अब वह दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। मतलब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपकी से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।